मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा 12th क्लास का थर्ड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडजस्टिंग पार्ट था। तो इसमें हमारे जो टॉपिक मैंने कराया था आपको उसके 29 क्वेश्चन तक थे। अगर उसमें वहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बाई मैसेज मेरे से पूछ लेना। आई थिंक 30 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद न्यू टॉपिक आ रहा है हम समझेंगे। तो 30 क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो ऑफ 7:5:4। ओल्ड रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो एक्स वाई एंड जेड 7:5:4। एक्स वाई जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है ओल्ड ये दे रखा है, उसके बाद बैलेंस शीट दे रखी है। और जो बैलेंस शीट बन रही है वो बन रही है 31 मार्च 2016 की। एंड नीचे कुछ दे रखे हैं पॉइंट्स, वो हम एक रीड कर लेते हैं। पार्टनर डिसाइड डेट विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने ये डिसाइड किया कि दे विल बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अभी क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल को डिसाइड कर रहे हैं। 31 मार्च तक तो यही था, 31 मार्च 2016 को ये रेशियो था। अब 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने ये डिसाइड किया कि रेशियो जो दूसरी है तो वो क्या कहलाएंगे, न्यू रेशियो। तो दूसरी रेशियो है वो हमारी 3:1 है, 3:1 एक्स वाई जेड, ये एक्स की, ये वाई और ये जेड, ये न्यू रेशियो ये है। क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल आता है एंड फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड एट 151,50,000 एंड द पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। ये कह रहा है कि इस फर्म की जो गुडविल है 1.5 लाख की है और जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है वो कितना कितना दे रखा है, बैलेंस शीट में दे रखा है कि जनरल रिजर्व दे रखा है 75,000 और प्रॉफिट एंड लॉस क्या दे रखा है, सिर्फ प्रॉफिट 15,000। एंड उसके बाद ये कह रहा है पास सिंगल जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द चेंज प्रॉफिट चेंज एंड प्रिपेयरिंग टू रिवाइज बैलेंस शीट। ये कह रहा है आपने जनरल एंट्री भी फाइंड आउट करनी है और इसकी बैलेंस शीट भी रिवाइज करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेशियो निकालनी पड़ेगी कौन सा सेकंड बाय और कौन सा गेनिंग रेशियो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा निकालेंगे एक्स इज रेशियो। अब हमें ये नहीं पता कौन सा रेशियो है, बता रखा है मैंने आपको एक्स इज रेशियो और मैंने क्या बताया ओल्ड से न्यू लेस करना है। तो एक्स का ओल्ड क्या है 7 अपॉन टोटल आ जाएगा 16 एंड न्यू रेशियो क्या है 3 अपॉन टोटल कितना आ जाएगा 6:2। एलसीएम क्या है देखो, इसमें एलसीएम क्या है 16 में आएगा ना, हाँ ठीक है। और तो एलसीएम देखो क्या आ रहा है, मेरे हिसाब से 16 का आप डिवाइड करके देखो 48 आ रहा है एलसीएम, क्योंकि 16 के थ्री पे आता है ऐसा टेबल, जो ऐसा नंबर जो 16 की टेबल में भी आए और 6 की टेबल में भी आए। तो मैंने कर दिया 16 के थ्री पे आता है 48 एंड 6 के ऊपर आता था 8 पे आता है 3:8 21 - 24 48। अब देखो यहाँ पे 77 × 3 आ गया हमारा 21 और 3 × 8 आ गया तो माइनस का आता है। अब आपको पता है कि ओल्ड में से न्यू लेस करते और माइनस का आता है तो हमारा क्या कहना था गेनिंग रेशियो कहलाता है। तो अब यहाँ लिख सकते हो एक्स इज गेनिंग रेशियो, तो यहां से माइनस मिल जाएगा एक्स का गेनिंग आ चुका है। ऐसे ही वाई का निकाले वाइज रेशियो, वाई कितना है 5, वाई ओल्ड क्या है 5 है ना, टोटल कितना है 16 और वाई न्यू कितना है 2 अपॉन टोटल कितना है 6। एलसीएम हमें पता लग ही रहा है 48 आएगा, 16 की पे 48 कहां पे आता है 3 पे और इसमें कहां पे आता है 8 पे, तो यहां करोगे तो वो यहां है 15 5 3 है 2 8 16
48 और जेड माइनस का 1 अपॉन 48 तो माइनस क्या आ रहा है, ये भी क्या कह रहे हैं ओल्ड बीसी अगर न्यू माइनस करते हो नेगेटिव आता है तो हमारा गेनिंग क्या लगता है, अगर पॉजिटिव आता तो हमारा सेक्रीफाइस क्या लगता। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से नेगेटिव हम हटा दिए सिर्फ प्रूफ करने के लिए क्या नेगेटिव है सॉरी क्या गेनिंग है क्या सेक्रीफाइस है। अब हम निकालेंगे जेड का, जेड इज रेशियो, तो रेशियो जेड का क्या है ओल्ड 4 अपॉन टोटल कितना 16 न्यू कितना 1 अपॉन 16 एलसीएम आपको पता है 48 आएगा 4 इनटू 16 के टेबल ऑफ 48 कहां पे आता है 3 पे, इसके में 16 में कहां पे आता है 3 पे 48 तो 12 माइनस 8 अपॉन 48 इक्वल टू 4 पॉजिटिव है 12 माइनस 8 क्या 4। तो ये हमारे आ गए रेशियो जो गेनिंग